इधर मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा से बीजेपी विधायक दिनेश खटीक एक बार फिर चर्चाओं में हैं। दिनेश खटीक ने अब की बार अपने इलाके में बिजली विभाग के एसडीओ को धमकाया है। फोन पर एसडीओ को धमकाते हुए विधायक ने उन पर बिजली चेकिंग के नाम पर अवैध धन उगाही का आरोप लगाया। दरअसल मवाना के बिजली चोरी प्रभावित इलाके में चेकिंग कर रही बिजली विभाग की टीम को बजरंग दल के लोगों ने धमकाया था। एसडीओ ने इस मामले में मवाना थाने में तहरीर भी दी, लेकिन खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताकर ऑफिसर को धमकाने वालों के खिलाफ थाना पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। पुलिस से मदद न मिलने और विधायक के खौफ से परेशान एसडीओ ने बीजेपी विधायक की कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। एपीएन के पास वो वायरल ऑडियो टेप भी है जिसमें कथित तौर पर बीजेपी विधायक एसडीओ को धमका रहे हैं। हालांकि एपीएन इस ऑडियो टेप की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, ये आप मवाना में जो चेकिंग अभियान में हो, आप ही हो क्या? हम भी हैं सर, साइकोमीटर मीटर वाले भी हैं, दो तीन टीमें हैं सर अलग अलग। नहीं, आपके अंडर में तो चल रही होंगी टीम? ना, अंडर में नहीं है, पैरेलल ही है। बताए सर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ जी, ये जो शिकायत मिलती है लोगों से पैसे लेने की, किसी से 20,000, किसी से 30,000, किसी से 40,000 हुआ ही चल रही है। अच्छा, क्या है? नहीं, रसीद नहीं काट रही है। नहीं, रसीद नहीं, आपने कहा कि भाजपा का झंडा लग रहा है, इसका तो साले का जरूर होगा। नहीं, ये किसने कह दिया? आपने तहसील पे कहा, आपने एफिडेविट तो दे रहा है वो तुम्हारे खिलाफ, चिंता ना करो। हाँ, नहीं ले लो, कोई समझ रहे हैं, एफिडेविट दे रहे तो ले लीजिए, कोई नहीं, जांच करा लीजिए। हाँ, जांच करा लेंगे, लेकिन ये जो पैसे का खेल आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रसीदें भी हैं, चेकिंग रिपोर्ट पर एंट्री भी है, सारी चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हम चेकिंग करने गए पंजाबन मस्जिद मवाना के पास में, तो वो हमें धमकाने लगे कंज्यूमर की, जी हम बजरंग दल में हैं और हमारी पहुंच बहुत अच्छी है, आप यहीं रफा दफा कर लो, नहीं तो रिश्वत का आरोप लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर केबिल वेबिल नहीं काटने दी उन्होंने, कार्रवाई हमें पूरी नहीं करने दी। लेकिन चलो ठीक है, हम वहाँ से निकल के हमने तहरीर थाने के लिए दे दी, उन्होंने लेने से मना कर दिया कि भाई ये तो इंस्पेक्टर साहब आएंगे तब देखेंगे, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। नहीं चलो कोई बात नहीं, जो कमी उन्होंने बताई थी वो हमने रिमूव करके दोबारा हमने तहरीर पे भेज दी, उन्होंने दोबारा फिर कमियां निकाल के फिर दोबारा वापस कर दी। 24 घंटे हुए, 24 घंटे तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई।